हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिले और नगदी फसल गन्ना के प्रति एक बार फिर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। लगातार 2 वर्ष तलक गन्ने के क्षेत्रफल और गिरावट आने के बाद इस बार इस और थहरडी फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ जिले और स्थापित 3 चीनी मिलों के जिम्मेदार आय के चेहरे पर भी मुस्कान है। जिले और अधिकतर किसान गेहूं, धान और गन्ने की फसल पर ही भरोसा करते हैं। वर्ष 2015-16 और 2016-17 और गन्ने का बीज मिलने और हुई परेशानी, इसके बाद भुगतान को लेकर रहे असमंजस ने किसानों का मनोबल तोड़ दिया था। गन्ना विभाग के अधिकारी क्षेत्रफल और आ रही गिरावट से खासे परेशान थे। वहीं चीनी मिलों के लिए भी यह संकेत ठीक नहीं था। यह देखकर किसानों का रुझान फिर से गन्ने की फसल की तरफ करने के लिए जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू किया। इस बार इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। गन्ने के क्षेत्रफल और गत सत्र की अपेक्षा थहरडी फीसद की बढ़ोतरी से किसानों की संख्या भी बढ़ी है। जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 2016-17 और जिले और गन्ना किसान थे जिनकी संख्या इस सत्र और बढ़कर हो गई है। एक नज़र पिछले वर्षों के आंकड़ों पर, वर्ष गन्ना क्षेत्रफल इस बार लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य जिले और 3 चीनी मिले स्थापित है। यह निजी क्षेत्र के DACL ग्रुप की है। इस सत्र और इन 3 चीनी मिलों को कुल लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य दिया गया है। लोनी चीनी मिल को लाख क्विंटल, हरियावा चीनी मिल को लाख क्विंटल और रूपापुर चीनी मिल को लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य दिया गया है। गत सत्र और रूपापुर चीनी मिल ने लाख क्विंटल, लोनी चीनी मिल ने लाख और हरियावा चीनी मिल ने लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की थी। 325 रुपये प्रति क्विंटल है गन्ना मूल्य। जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गन्ने की अर्ली प्रजाति को 325 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी मिले खरीदेंगी। गत वर्ष की अपेक्षा यह 10 रुपये अधिक है। सामान्य प्रजाति का गन्ना 315 रुपये क्विंटल और रिजेक्ट प्रजाति का गन्ना 310 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। एक पखवारे के अंदर किसानों के बैंक खातों और भुगतान भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जिले और 80% गन्ना अर्ली प्रजाति का है। सामान्य प्रजाति का गन्ना लगभग 16% और रिजेक्टेड गन्ना 9% क्षेत्रफल और है। जिले और अधिकतर किसान गेहूं, धान और गन्ने की फसल पर ही भरोसा करते हैं। वर्ष 2015-16 और 2016-17 और गन्ने का बीज मिलने और हुई परेशानी, इसके बाद भुगतान को लेकर रहे असमंजस ने किसानों का मनोबल तोड़ दिया था। गन्ना विभाग के अधिकारी क्षेत्रफल और आ रही गिरावट से खासे परेशान थे। वहीं चीनी मिलों के लिए भी यह संकेत ठीक नहीं था। यह देखकर किसानों का रुझान फिर से गन्ने की फसल की तरफ करने के लिए जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू किया। इस बार इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। गन्ने के क्षेत्रफल और गत सत्र की अपेक्षा थहरडी फीसद की बढ़ोतरी से किसानों की संख्या भी बढ़ी है। जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 2016-17 और जिले और गन्ना किसान थे जिनकी संख्या इस सत्र और बढ़कर हो गई है। एक नज़र पिछले वर्षों के आंकड़ों पर, वर्ष गन्ना क्षेत्रफल इस बार लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य जिले और 3 चीनी मिलें स्थापित है। यह निजी क्षेत्र के DACL ग्रुप की है। इस सत्र और इन 3 चीनी मिलों को कुल लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य दिया गया है। लोनी चीनी मिल को लाख क्विंटल, हरियावा चीनी मिल को लाख क्विंटल और रूपापुर चीनी मिल को लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य दिया गया है। गत सत्र और रूपापुर चीनी मिल ने लाख क्विंटल, लोनी चीनी मिल ने लाख और हरियावा चीनी मिल ने लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की थी। 325 रुपये प्रति क्विंटल है गन्ना मूल्य। जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गन्ने की अर्ली प्रजाति को 325 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी मिले खरीदेंगी। गत वर्ष की अपेक्षा यह 10 रुपये अधिक है। सामान्य प्रजाति का गन्ना 315 रुपये क्विंटल और रिजेक्ट प्रजाति का गन्ना 310 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा।
एक पखवाड़े के अंदर किसानों के बैंक खातों और भुगतान भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जिले और एटी फीसद गन्ना अर्ली प्रजाति का है। सामान्य प्रजाति का गन्ना लगभग 16% और रिजेक्टेड गन्ना 5% क्षेत्रफल और है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।